अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्ब्रियोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक इन डिटेल। फर्स्ट एमसीक्यू इज अ सीरीज ऑफ सेल डिविजन्स इन द जायगोट फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन पैटर्न सेट आउट फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड। इसमें गिवन ऑप्शंस हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन आएगी दैट इज अल्फा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब होता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब होता है बर्थ। द माइन्यूट रूडिमेंट्री प्लांट कंटेन्ड विद इन अ सीड और एन आर्चिगोनियम इज कॉल्ड। दिस इज अ बोटेनिकल डेफिनेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। सो राइट आंसर वुड बी अल्फा। इन जनरल टर्म हम एम्ब्रियो कह रहे होते हैं एन ऑर्गेनिज्म एट एनी टाइम बिफोर फुल डेवलपमेंट बर्थ और हैचिंग। एम्ब्रियोजेनेसिस कैन बी, हम याद रखें एम्ब्रियोजेनेसिस दो तरह की हो सकती है। द टाइप वन जिसकी आएगी डेट इज जायगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जो टाइप टू इसकी आएगी डेट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर तो एम्ब्रियो बन रहा है फ्रॉम अ जाइगोट तो उसे कहेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। हम जानते हैं जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इट कैन बी मेल गैमेट लाइक स्पर्म और फीमेल गैमेट लाइक एग। जबकि अगर एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही हो फ्रॉम सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल मीन्स बॉडी सेल, ऐसा कोई भी सेल विच हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड, उस तरह की एमरजेंसी कहा जा रहा होता है सोमैटिक एमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डेट इज चार्ली बोथ। एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल हैविंग द पोटेंशियल टू शो डिविजन इज कॉल्ड। तो इस अंडरस्टूड है, इसमें लिखा हुआ वेजिटेटिव सेल, इसका राइट आंसर आ रहा होगा बीटा। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जा रहा होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मतलब होता है इंक्लोज्ड और स्पर्मा इन केस ऑफ प्लांट ग्रुप से कहा जा रहा होता है सीड। इसमें सीड इनक्लोज इन ओवरी। वन स्पर्म यूनाइट्स विद द एग टू फॉर्म जायगोट। तो वन स्पर्म मिलेगा तो जायगोट वुड बी डिप्लॉयड एंड अदर विद द पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर ऑलरेडी क्या होता है N+N, तो स्पर्म मिलेगा तो ये बन जाएगा 3N टू फॉर्म एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का बेसिक काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इन टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर जाकर पूरा एक प्लांट बना रहा होगा। तो फर्टिलाइजेशन दो बार हो रही है, एक जायगोट के साथ और एक पोलर न्यूक्लियर के साथ टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। इसका राइट आंसर आ रहा होगा बीटा, डबल फर्टिलाइजेशन। डैश एम्ब्रियो प्रोवाइड्स यूनिक फीचर्स फॉर द स्टडी ऑफ बेसिक मैकेनिज्म बाय विच प्लांट सेल्स ऑर्गेनाइज इन बायोलॉजिकल पैटर्न। अब इसे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो याद रखें एबिडोप्सिस बेसिकली यूज एज अ मॉडल प्लांट फॉर वेरियस रीजंस। यहां लिखा हुआ इट हैज यूनिक फीचर्स, इट गिव्स अस मॉलिक्यूलर इनसाइट्स दैट कैन इजीली बी जनरलाइज्ड एंड कैन बी अप्लाइड ऑन अदर प्लांट्स। इसका राइट आंसर आ रहा होगा अल्फा। डैश सेल डिवीजन, द प्लेन ऑफ डिवीजन इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी। तो पहले हम जो सेल डिवीजन के प्लेन्स हैं इनको समझ लेते हैं। तो वो तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन जो है पेरिक्लाइनल, पी फॉर पेरिक्लाइनल, पी फॉर पैरेलल। अगर सेल डिवीजन इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी और ऑर्गन और पार्ट, तो इसे सेल डिवीजन कहा जा रहा होता है पेरिक्लाइनल। अगर सेल डिवीजन जो है वो एट राइट एंगल हो, राइट एंगल टू द सर्फिस ऑफ द प्लांट बॉडी,
organ or part, such as cell division is called as anticlinal. और अब्लीक पेरिग्नाइलल जो है ये बेसिकली हो रही होती है ड्यूरिंग लीफ प्राइमोर्डिया डेवलपमेंट, ये होती है एट मार्जन्स ऑफ द ऑफ लीफ सरफेस. सो इस केस में जो राइट आंसर आएगा इसमें लिखा है पैरेलल टू द सरफेस, वो आएगा अल्फा पेरिग्नाइलल. आफ्टर द जायगोट हैज बीन फॉर्मड इट कैन बी it cannot grow into a mature plant unless dash is formed. Understood as zygote se banna hota hai embryo. Aur embryo se aage jaake pura phir pehle seedling banega aur seedling se pura phir ek plant ban raha hoga. Isme right answer kya aa raha hoga? Delta embryo. Embryo se pehla part niklega that is radical. Radical phir aage jaake root banayega. फिर प्लीमूल बनेगा, प्लीमूल से आगे जाके शूट बन रही होगी. और स्कोटाइलम इज बेसिकली द कॉटिलेडन ऑफ द मोनोपोड्स और ग्रासेस. एम्ब्रियोजेनेसिस एस्टैब्लिशेस तो ऑप्शंस हैं अल्फा प्राइमरी पेरिस्टेम्स, बीटा एक्सियल पैटर्न, चार्ली रेडियल पैटर्निंग. तो डेल्टा इज ऑल, तो एम्ब्रियो सारा को स्टेब्लिश कर रहा होता है, तो आंसर आएगा ऑल. पैटर्न्स इन प्लांट डेवलपमेंट कैन बी, तो प्लांट में डेवलपमेंट के दो पैटर्न्स हुआ करते हैं. एक को कहा जा रहा होता है एपिकल बेसल, इसको हम एक्सियल पैटर्निंग भी कहते हैं. दूसरा पैटर्न कहलाता है रेडियल पैटर्न. तो इसका जो राइट आंसर आएगा डेट इज डेफिनेटली चार्ली बोथ. That was all about today's lecture. उम्मीद है सारा समझ में आ गया होगा. If you like the lecture, kindly hit the like button, subscribe to our channel, share it to your friends for more informative videos like this one. Allah Hafiz.